धार जिले के प्रीतमपुर थाने में घाटा बिलोद पुलिस चौकी को बड़ी सफलता हाथ लगी है। हम आपको बता दें कि कुछ दिन पहले 12 नवंबर को घाटा बिलोद की जिला सहकारी बैंक में अज्ञात बदमाशों द्वारा रात्रि में चोरी का प्रयास किया गया था, जिसमें गैस कटर से बैंक के ताले तोड़कर स्ट्रांग रूम खोलने की तैयारी की गई थी, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घाटा बिलोद पुलिस घटना के बाद कायमी कर जाँच में जुट गई थी और चौकी एरिया में गश्त बढ़ा दी थी। नगर पुलिस अधीक्षक तरुणेंद्र सिंह बघेल के और थाना प्रभारी तारेश सोनी के निर्देशन में चौकी प्रभारी सतीश शर्मा ने टीम बनाकर आरोपियों को पकड़ने में जुट गई। वहीं दीपावली की रात 14 नवंबर को घाटा बिलोद स्थित रामनगर में बैंक ऑफ इंडिया में चोरी करने की योजना बनाते हुए पुलिस ने 7 आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा था। उनसे पूछताछ करने पर उन्हें बताया कि 16 नवंबर को घाटा बिलोद की जिला सहकारी बैंक में चोरी करने का प्रयास हमारे द्वारा ही किया गया था। वहीं बताया कि इंडोरामा में कुछ माह पहले एटीएम तोड़ने की घटना भी कबूल की गई है। वहीं घाटा बिलोद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोपियों के पास से 12 बोर देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, लोहे का चाकू, गैस कटर मशीन, गैस सिलेंडर, लोहे का फालिया जब्त किया है। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। दिनांक 12 नवंबर को घाटा बिलोद स्थित जिला सहकारी बैंक में अज्ञात बदमाशों द्वारा गैस कटर का इस्तेमाल कर चोरी करने का प्रयास किया गया था, जिस पर से चौकी घाटा बिलोद पर अपराध कायम करके आरोपी की तलाश शुरू की गई थी। दिनांक 14 नवंबर को दिवाली की रात को गश्त के समय सूचना प्राप्त हुई कि रामनगर के पीछे खेत में कुछ संदिग्ध व्यक्ति जमा हुए हैं, जिनके पास हथियार भी हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोई बड़ी घटना के प्रयोजन से वहां पे जमा हुए हैं, जिसके बाद पीतमपुर थाने की और घाटा बिलोद की पुलिस ने सामूहिक दबिश देने हेतु घेराबंदी की। उस दौरान मौके पे जमा जो संदिग्ध व्यक्ति थे उनकी वार्तालाप से प्रतीत हुआ कि रामनगर स्थित बैंक ऑफ इंडिया में ये डकैती की योजना बना रहे हैं, जिसके बाद तत्काल दबिश देकर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे पूछताछ में उनके द्वारा बताया गया कि 12 नवंबर की रात्रि में जिला सहकारी बैंक में भी उनके द्वारा ही चोरी का प्रयास किया गया था। आरोपियों से घटना में प्रयुक्त गैस कटर भी जब्त हुआ है और आरोपियों द्वारा उनमें से 4 आरोपियों द्वारा इंडोरामा स्थित एक एटीएम, जो कि अक्टूबर में एटीएम तोड़ने की घटना हुई थी, उसको भी स्वीकार किया गया, उसमें भी उनकी गिरफ्तारी की है। आरोपियों को गिरफ्तार करके जिला जेल धार में दाखिल कराया गया और आगे विवेचना जारी है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।